दिस इज चैनल। देखा कि आज भी इस देश में 21.90% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। आइए जनाब, आइए आगे तस्वीर में। हमारे इस मुल्क में मैंने कहा कि लगभग 22% लोग ऐसे हैं जो बीपीएल कॉर्पोरेटर बैठे हैं, सरकारी नुमाइंदे भी बैठे हैं। आगे देखिए कि राज्य सरकारें और भारत सरकार, चाहे किसी की भी रहे, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं इसमें जाऊंगा कि इतनी गरीबों के लिए योजनाएं चलती हैं, फिर भी इस देश में गरीबी क्यों बढ़ती गई, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है। ये देश अगर तीन चीजों पर सोच लेगा, नंबर वन एजुकेशन, नंबर टू जो हमारा गरीब है उसकी बहबूदी कैसे आए, उसको रोजगार कैसे मिले, रोजगार के विषय पर मैं सोचता हूँ कि ये जो मजहब की बातें हैं, जाति की बात है, धर्म की बात है, समुदाय की बात है, मैं उत्तर भारत से आता हूँ, ये क्षेत्रवाद की बात है, ये सब खत्म हो जाए। ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसके गुलदस्ते में इतने फूल हैं। देखिए ये अभी गुलदस्ता बनाया है, इसमें कई तरीके के फूल हैं और सब बन करके ये हार बना है। तो हमारा ये देश जिसमें अलग अलग मजहब के लोग मानने वाले, अलग अलग जातियों के लोग और अलग अलग वर्ग और अलग अलग क्षेत्र के लोग, उसके बावजूद भी अगर एकजुट है तो कहीं न कहीं हमारी पुरखों की वो चीजें जो आज इस मुल्क में जिंदा है उसकी बदौलत ये हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, जिंदा है। हमें चिंता इस बात की करनी है कि इस कोर्ट में एजुकेशन कैसे आए, बिना एजुकेशन के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कितनी बिल्डिंग्स कर लीजिए, कितने ही सेमिनार्स कर लीजिए, कितने भी कुछ कर लीजिए, जब तक ग्रास रूट पर एजुकेशन नहीं जाएगा, ग्रास रूट पर रोजगार नहीं जाएगा, ग्रास रूट पर जो है कोई चीज नहीं पहुंचेगी, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लोग पार्टियों में, राजनीतिक दलों में वो कहते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक इंसान को मौका देता है तो उसको उस मौके में जो अच्छा काम हो सकता है, जो नेक काम हो सकता है उस काम को करना चाहिए। मतलब लोग हमारे पास भी आते हैं कि आप अपने घर को बनाओ, अपनी औलाद को एस्टेब्लिश करो। मैं सोचता हूं कि अगर आपने, अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है तो आपको उस गरीब व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जिसको जरूरत है, जिसको मतलब सड़क की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की जरूरत है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इंसान पद रहे या नहीं रहे, अगर पद पर है उसको काम करना चाहिए, पद पर नहीं है तो उसको समाज में और बहुत सारे काम है। जरूरी नहीं कि आप पद पर रहो तभी मतलब जो है आपकी इज्जत हो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत तो देने वाला अल्लाह। और ईमान का जो तकाजा है वो ये है कि इस लाइन को पकड़ लो कि जो 60 बातें ईमान की उनमें से आखिरी बात यह है कि अच्छा और बुरा जो भी करता है अल्लाह पाक करता है। जो अल्लाह ने आपको अगर कोई अच्छी चीज दी है तो उसका शुक्र अदा करो, अगर बुरा समय आता है तो इंसान ये कहता है कि साहब मेरे को मतलब जो है कॉर्पोरेटर साहब ने परेशानी में डाल दिया, मुझे असलम साहब ने परेशानी में डाल दिया। और जब अच्छा समय आता है तो आदमी ये कहता है साहब मैं काबिल, मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग ने काम किया, मेरी योग्यता है। तो आदमी जब अच्छी चीज होती है तो अपनी योग्यता की बात करता है, जब खराब चीज होती है, बुरी चीज होती है तो किसी दूसरे की तरफ अंगुली उठा करके। और जो है मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार मंत्री पद से आता हूँ, मैं दूसरी बार रहता हूँ, ऐसा नहीं मैं पहली बार चुनाव आ रहा हूँ, तीसरी बार चुनाव आ रहा हूँ, लेकिन मैं चुनाव आते ही सोचता हूँ कि जो किया वो अल्लाह ने अच्छा किया। चलो इस बहाने में औरंगाबाद में हमने सगाई की, हम नहीं आ पाए, हमने शादी खाई, हमने शादी की, हम नहीं आ पाए, तो कम से कम चुनाव आ रहे तो औरंगाबाद तो